Hello student, welcome in Student Education Society. Today we are going to learn exercise, that is practice set 1.2, question number 6. हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा है, दो वीडियो मैंने उसके बनाए. अभी हम वीडियो में इस वीडियो में हम 6 और आगे के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने लेंगे. तो ये 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड QT. क्या फाइंड करने का है हमें, QT यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर. फिगर में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका यूज करके हमें ये जो QT यहाँ पे दिया है वो फाइंड करने का है. अभी ये जो फिगर है मैंने अपने नोटबुक में थी वो यहाँ पे निकाली है. एक्चुअल जो फिगर है टेक्स्ट बुक में आप चेक करो और उसी हिसाब से फिगर ड्रॉ करो. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे गिवन. गिवन क्या है हमें वो लिखेंगे पहले. गिवन गिवन क्या क्या है हमें यहाँ पे, यम एन इक्वल्स टू 25 यूनिट्स कुछ दिया है, मीटर सेंटीमीटर मतलब यूनिट में लिखेंगे उसको. एम क्यू इक्वल्स टू 14 यूनिट्स ऐसे दिया है और एन पी इक्वल्स टू 40 यूनिट्स ये भी दिया है और फाइंड करने का है क्यूटी. और क्या दिया है फिगर में, अगर हम ठीक से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें ये बात समझ में आती है कि हमें और क्या दिया है. तो जो ये हमको दिखती है से एन क्यू, ये जो सेगमेंट दिखती है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल एन की. मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन. तो हम क्या लिखेंगे, सेग एन क्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन. समझ में आई बात. तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज करके ये सब सॉल्व कर सकते हैं. देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमें फाइंड करने का है क्यू पी. तो एम एन अपॉन एन पी इक्वल्स टू क्या आएगा, ये एम एन उसके साइड वाली ये वाला पार्ट एम क्यू और ये एन पी उसके साइड वाला ये वाला पार्ट दैट इज क्यू पी. इसका रीजन आएगा एंगल बाइसेक्टर थियर. आई बात समझ में, ये उसका रीजन है. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमें फिगर में दी है वो यहाँ पे पुट करेंगे. वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलता है हमें, एम एन दैट इज 25 और ये पी एन कितना है 40 है. ओके समझ में आई बात. और एम क्यू कितना है 14 है और जो बचा है क्यू पी वो हमें निकालने का है. ये हमने क्या किया, यहाँ पे दी गई ही वैल्यूज क्वेश्चन में वो हमने पुट की. आगे क्या करेंगे देखो, आपको पता है प्रीवियस क्लास में छोटे छोटे क्लास में पढ़ा है हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम क्यू पी की वैल्यू निकालेंगे. जैसे क्यू पी इंटू 25, आई बात समझ में, इक्वल्स टू दिस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14 इंटू 40. समझ में आई बात. तो अभी यहाँ पे ये जो 25 यहाँ क्यूपी के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन से कहाँ जाएगा, वो डिविजन में जाएगा. देयरफॉर यहाँ पे हमें एक अकेला क्या मिलेगा, क्यूपी, जो हमें फाइंड करने का है 14 इंटू 40 अपॉन 25. अभी ये जो कैलकुलेशन है वो आप बच्चों केयरफुली करो, यहाँ पे आप घाई घाई में कुछ ये मिस्टेक करो ये करो ऐसा मत करो. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे. जैसे इन दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. जैसे 5 का 25, 5 8 का 40. आई बात समझ में. तो हमें यहाँ पे क्या मिला, देयरफॉर क्यू पी इक्वल्स टू 14 इंटू 8 अपॉन 5. कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, शांत दिमाग से सम्स करो, बहुत आसान जाता है. अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया या डायरेक्ट हमने लिखा तो भी चलेगा. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बताओ, किसको आता है टेबल 14 का,
14 एट जा 112। अभी 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके बताती हूँ। 5 किसको डिवाइड करने का है, 112। 5 2 10, आ रही बात समझ में? 5 2 10 कैरी 1, दिस 2 विल कम डाउन, ये दो नीचे आ गया तो ये बन गया 12। अगेन 5 2 10, तो ये रहेगा, यहाँ पे 2 रह गया, ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0। तो ये क्या आया, 5 4 जा, क्या आया, 5 4 जा 20। तो आंसर यहाँ पे हमें क्या मिला, जब हम 5 1 जा 5 एंड ये डिवीजन करते हैं तो क्या आंसर मिलता है, 22.4। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, QP इज इक्वल्स टू क्या मिला, 22.4 यूनिट्स। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, जो हमें ढूंढने का था, जो हमें फाइंड करने का था। आई बात समझ में? बहुत इजी है, सैम दिमाग से करो, कंफ्यूज मत हो जाओ। और इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला सम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखो अभी क्या दिया, इन द फिगर, अभी यहाँ पे एक फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे लिखती हूँ, इन द फिगर ए आर, इन द फिगर ए आर इज पैरेलल, किसको है, ए आर इज, सॉरी ए बी, इट इज ए बी, सॉरी इट इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और सी डी इज पैरेलल, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ और ई एफ ई, ऐसा दिया है। और क्या बताए, द देन फाइंड द एक्स एंड वाई, देन फाइंड एक्स एंड, क्या फाइंड करने का, एक्स एंड ए ई, ए ई, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी। चलो मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, क्या क्या दिया है हमें, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, ऐसी लाइंस दी है, और यहाँ पे ज्वाइन करने वाली, यहाँ पे एक ज्वाइन करने वाली लाइन हमें दी है। आप स्केल यूज करके इसको ड्रॉ करो, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं अपने हाथ से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो पहला क्या है, ये ए बी, उसके बाद डी सी, और उसके बाद ई एफ, ये हमें नाउंस दिए, यहाँ पे नेम्स है। तो यहाँ पे है ये 8 है, यहाँ पे ये 12, और यहाँ पे ये x है, और यहाँ पे ये 4। आई बात समझ में? तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने का है, x फाइंड करने का है और a e ये डिस्टेंस फाइंड करने का है। तो ये बात यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हर बार बताती हूँ, क्वेश्चन शांत दिमाग से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन में जो कुछ दिया है वो हमें आंसर ढूंढने में हेल्पफुल रहता है, वो हमें सम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मदद करता है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो आपको क्लिक हो गया होगा, दिमाग की बत्ती जल गई, क्या पता चला, क्या पता चला, 3 पैरेलल लाइंस आ गए, 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। हमें थ्योरम पढ़ा है, ये थ्योरम पढ़ा है हमने, हाँ तो ये थ्योरम पढ़ा है हमने। तो क्या है, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस ऑन बाय अ ट्रांसवर्सल इज इन द सेम रेशियो इंटरसेप्ट मेड बाय द करस्पॉन्डिंग लाइंस। मतलब क्या होता है, ये हा और ये दोनों का रेशियो कितना रहेगा, इन दोनों के रेशियो को इतना रहेगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पे है गिवन, गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। आई बात समझ में, ये दिया है। और क्या दिया है हमें, BD इक्वल्स टू 8 यूनिट्स,
DF equals to 4 units, AC equals to 12 units and CE equals to X units. हम X find करके AC और CE का addition करके AE find करने का है. आई बात समझ में? तो चलते हैं यहाँ पे. तो क्या आएगा यहाँ पे answer में? यहाँ पे हम ये चीज इधर नीचे भी लिख सकते हैं. क्या आएगा फिर? यहाँ पे हम ये लिखेंगे BD upon DF is equals to AC upon CE. इसका कौन सा आएगा? क्या आएगा? Intercepts made by three theorem answer key. Theorem of intercepts made by three parallel lines and their transversal transversals. ये वाला थ्योरम आप यहाँ पे लिखेंगे. इसका रीजन बोल दिया. आई बात समझ में? तो BD का वैल्यू क्या दिया है हमें? देयरफॉर BD 8 दिया है. फिर DF कितना दिया है? 4 दिया है. फिर AC कितना दिया है? 12 दिया है. और ये X दिया है. आई बात समझ में? फिर वही, इसने इसको मल्टीप्लाई करना, इसने इसको मल्टीप्लाई करना. देयरफॉर 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 4. आई बात समझ में? तो 8 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, वहां पे जाके वो डिविजन में जाएगा. X इक्वल्स टू 12 इंटू 4 अपॉन ये वाला 8 यहाँ पे आएगा. आई बात समझ में? अभी ये 4 इस 8 को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है. इसका हम डिवीजन करेंगे. 4 वन जा 4, 4 टू जा 8. यहाँ पे मिला 2, यहाँ पे मिला 12. ये 2 से हम इस 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं. 2 वन जा 2, 2 6 जा 12. तो x इक्वल्स टू मिल गया हमें 6 यूनिट्स. x क्या मिल गया? 6 यूनिट्स. लेकिन हमें आगे भी क्या कुछ फाइंड करने का है? दैट इज AE. क्या फाइंड करने का है? AE फाइंड करने का है. तो देयरफॉर AE इक्वल्स टू ऐसा लिखना पड़ेगा हमें. क्या लिखना पड़ेगा? AC प्लस CE ऐसा. इसका रीजन हम बिटवीननेस जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बिटवीननेस दैट इज ए डैश सी डैश ई. समझ में आई बात? तो हमें देयरफॉर पता है क्या? ए सी की वैल्यू क्या है? 12 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई? 6 आई. आई बात समझ में? देयरफॉर ए ई इक्वल्स टू कितना आया? 18 यूनिट्स. आई बात समझ में? बहुत इजी है दोस्तों ये. और समझ लो, शांत दिमाग से समझ लो, अच्छे से इसको समझ के अगर आप बिना देख के लिखने की कोशिश करेंगे तो फटाक में फटाक से एक ही आपको रिवीजन में ये सब अपने मन से करने को आएगा. कोई डिफिकल्टी नहीं है. ऐसा आप एक बार भी इसमें से देख के करेंगे और फिर दूसरी टाइम अपने मन से भी कर सकते हैं. बहुत इजी है. अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. और तब तक हम क्या लेंगे? नेक्स्ट वाला सम लेंगे, दैट इज 8th क्वेश्चन. कौन सा लेंगे? 8th वाला क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. क्या है क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखते हम. क्वेश्चन नंबर 8 इन ट्रायंगल LMN. क्वेश्चन नंबर 8 इन ट्रायंगल LMN. ये वाला है रे एम टी. मतलब रे एम टी नहीं जाता, वो रे का नाम एम टी है. तो आप बोलेंगे रे एम टी हो गया मैडम, वो खाली हो गया. ऐसा नहीं है. रे एम टी बायसेक्टर ऑफ एंगल. रे एम टी क्या करता है? बायसेक्टर है. बायसेक्ट्स ऑफ बायसेक्ट्स एंगल. किस एंगल को बायसेक्ट करता है वो? ये लेमन एल एम एन. आई बात समझ में? और आगे क्या दिया है? इफ क्या है इसका? इफ एलएम. एलएम कितना दिया है हमें? एलएम दिया है 6. फिर एमएन कितना दिया है हमें? एमएन दिया है 10. और क्या दिया है हमें यहाँ पे? टिंग 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 टीएन दिया है यहाँ पे. टिंग टिंग टीएन दिया है यहाँ पे. टीएन इक्वल्स टू 8 यहाँ पे दिया है. 8 का नीचे वाला पोर्शन थोड़ा हो गया, उसने एक्सरसाइज नहीं की इसीलिए वो पतला हो गया नीचे वाला.
ठीक है चलेगा, ऊपर वाला बड़ा हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, हम उसको क्या करेंगे थोड़ा सवाल के लिए। तो फाइंड करने का है ELT equals to question mark, क्या फाइंड करने का ELT, आई बात समझ में। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए फिगर तो चाहिए, बिना फिगर की तो बात नहीं बनेगी। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल की ELM वाला ट्रायंगल है ना, ये यहाँ पे लेटा है ऐसे, समझो बच्चों ELM वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे यहाँ EL हो गया, यहाँ EM हो गया और यहाँ EN हो गया। आगे क्या बताया इन्होंने, जो ये MT है यहाँ पे मैं T लिखती हूँ, ये क्या करता है इस एंगल को बायसेक्ट करता है। यहाँ दो एंगल कैसे हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि वो इसको बायसेक्ट करता है यम। आई बात समझ में, ये ना दिया है यहाँ पे। फाइंड करने का क्या है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, फाइंड क्या करने का है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। फाइंड करने का है एलटी, एलटी का आते ये वाला एलटी, आई बात समझ में, इसको हमें फाइंड करने का है। तो यहाँ पे एंगल बायसेक्टर दिया, तो हम यहाँ पे एंगल बायसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, आई बात समझ में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो चलो एंगल बायसेक्टर थ्योरम लेते हैं, लेकिन पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हर एक सम में हम गिवन बहुत बहुत अच्छे से लिखेंगे और लिखना इम्पोर्टेंट है। LM equals to 6 units, EMN equals to 10 units, TN equals to 8 units and ting 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 LT बता। और क्या दिया है, और दिया है रे एम टी इज अ एंगल बायसेक्टर, बायसेक्टर ऑफ एंगल एलियम यन। आई बात समझ में, ये दिया है। अभी यहाँ पे हम एंगल बायसेक्टर दिया है, तो एंगल बायसेक्टर का थ्योरम यूज करेंगे। हमारे पास गन दी तो गन यूज करेंगे, बम नहीं है तो क्या रोते बैठेंगे, नहीं गन दी तो गन करेंगे। अभी यहाँ पे दिया है गन मतलब एंगल बायसेक्टर, तो इसका ही यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फिर मजा। तो लेते हैं हम एंगल बायसेक्टर थ्योरम का हेल्प। तो LM अपॉन MN इज इक्वल टू LM इस साइड की ये वाला इतना सा इसका ये पार्ट, तो वो क्या है LT, और MN इस साइड का ये इतना सा पार्ट दैट इज TN, इसको ऐसा लेंगे और इसका सिंपल सा रीजन होगा एंगल बायसेक्टर थ्योरम। आई बात समझ में, ये होगा बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, मुझे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता। फिर वैल्यूज पुट करते हैं, LM कितना है 6, MN कितना है 11, 10 है, हाय 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 देयर कॉलिंग हम गए, हाय हाय क्या करो। TN कितना है, TN 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 LT निकालने का है, बात नहीं ध्यान में रखो, LT निकालने का है और TN लिया है 8। आई बात समझ में, MN के साथ TN आएगा, MN के साथ TN, इन दोनों की जोड़ी है MN और TN, ये दोनों फ्रेंड है। यहाँ पे MN और LT मतलब ये इसके साइड के घर में रहता है और ये इसके साइड में घर रहता है, इसलिए दोनों फ्रेंड बन गए, ध्यान में रखो। आई बात समझ में, किसके साथ किसको लेने का है, आई बात समझ में, नहीं तो मैथ्स में रॉन्ग हो सकता है, कभी इसके साथ बच्चे इसको भी लेते हैं, ऐसा करेंगे तो फिर ये और ये फ्रेंड है, इसके साथ इसको लेंगे तो ये दोनों झगड़ा करेंगे और अपना सम रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ में, तो फ्रेंड ध्यान में रखो, इसके साथ इसकी फ्रेंडशिप, इसके साथ इसकी फ्रेंडशिप, जिसके साइड जो रहता है वो उसको साथ में लेगा, मतलब ये LM ऊपर गया तो उसके साथ वाला भी ऊपर आएगा। आई बात समझ में, तो यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 into 8 equals to 10 into क्या आएगा LT। आई बात समझ में, इस 10 को हम यहाँ डिवीजन में लेंगे, 6 into 8 upon 10 equals to LT, बहुत इजी है ये सम। आई बात समझ में, 6 8 का मुझे नहीं आता, 6 8 का क्या है, नहीं आता, आता क्या नहीं आता, आ गया मेरे को आता है मेरे को ये टेबल 6 8 का करेक्ट लिखा ना मैंने, हाँ तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो भी मेरे को आता है, मैं होशियार हूँ।
इसको आएगा कि मैं डिवीजन का भी आता है मेरे को, क्योंकि छोटे क्लास में पढ़ा है ये, 13 अगर डिवाइड में रहता है तो डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट देने का काम हो गया, हो गया अपना काम। एल टी कितना आया, एल टी कितना आया, 4.8 एल टी आया। अगर यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा तो फिर आधा मार्क जाएगा घूमने को। आई बात समझ में? ये तो बहुत इजी था, मेरे को भी इजी लगा, आपको भी कैसा लगा वो भी मुझे बताओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत इजी है ये, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेने का है ले सकते हो, और इसको प्रैक्टिस करो 2 टाइम, सब संको करो वैसे तो, और बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, अच्छे से पढ़ाई करो। इसको हम एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे का सम लेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वो भी बहुत इजी है, मेरे को तो बहुत इजी लगता है, आपको भी लगता है ना इजी? हाँ सबको लगता है इजी, मुझे पता है। आप एक बार अच्छे से देखेंगे ना क्वेश्चन पढ़ के, आपको हाँ इसमें तो कुछ भी नहीं ऐसा बोलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा बहुत ज्यादा ज्यादा लिखा हुआ है, खाली कुछ नहीं इसमें। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, इस ट्राइंगल में जरा देखते गौर से। सेक बी डी बाय सेक्स, सेक बी डी क्या करता है, बी डी, अरे बी डी पीने वाली बी डी नहीं, यहाँ पे बी डी से है वो क्या करता है, बाई सेक्स। यहाँ पे जरा लाइट का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए मुझे दिखता नहीं है अच्छे से। किसको बाई सेक्स करता है, एंगल ए बी सी को। ओके ओके, एंगल ए बी सी को कौन बाई सेक्ट करता है, सेक बाई सेक्ट करता है, मतलब क्या, एंगल को बाई सेक्ट करता है, एंगल बाई सेक्टर, काम खत्म। मुझे समझ में आया, आपको भी आया, पता है मुझे। उसके बाद इफ क्या दिया है, उसके बाद इफ किसको दिया है, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू एक्स, ए बी को एक्स बता दिया, क्यों बता दिया क्या पता, बी सी को कुछ तो अलग बता दिया है, बी सी है, बी सी अंकल, बी सी वाला अंकल क्या है, एक्स प्लस फाइव बता दिया इसको, आई बात समझ में। और क्या बता दिया, एडी, ये एडी कौन है, क्या बता इसको, क्या बता दिया इस एडी को, एक्स माइनस टू बता दिया। और आगे डीसी को, डीसी को बता दिया कुछ तो ऐसा ही, एक्स प्लस टू गए, ये सब बता दिया। और फाइंड क्या करने का, एक्स कितना घुमा रहे ये सब देखो, देन फाइंड, फाइंड देखो इतना सब करके फाइंड करने का एक्स, हर टाइम मैथ में एक्स पीछे लगता है आपने, क्या करें। चल देखते फिगर कैसा है, थोड़ा सा हर टाइम एक्स फाइंड करना पड़ता है ना, दिमाग खाते हर टाइम एक्स को फाइंड करो, हर टाइम एक्स को फाइंड करो, फिगर आप अच्छे से निकालो। मेरे पास वो सब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, मैं घर पे वीडियो बना रही हूँ लॉकडाउन की वजह से, आपको पता है। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, ये इसको ये को मैं जरा यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर काम खत्म, यहाँ पे डी रहेगा ना, हाँ क्योंकि ये बी डी है, यहाँ पे आई बात समझ में। तो हमें क्या क्या दिया है वो आंसर चालू करते लिखने को, पहले गिवन लिखेंगे, जी आई वी एन गिवन, हाँ तो जो दिया है लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू एक्स दिया है, बी सी इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव इज ऑल्सो गिवन, इसको यूनिट लगाते हैं, इसको भी यूनिट लगाते हैं, लगा देंगे ए डी इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ऐसा करके इसको यूनिट लगाएंगे, इसको ब्रैकेट डाल के यूनिट लगाएंगे। आई बात समझ में, ए डी के बाद भी डी सी, डी सी सी बैंक की तरफ 2 + x, इसको भी यूनिट लगा देंगे। और क्या दिया है, सेग बी डी बायसेक इज बायसेक्टर, ऐसा लिखेंगे हम, इज बायसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ये तो दिया है, दिया है एंगल बायसेक्टर, तो एंगल बायसेक्टर का ही यूज करके हम ये सम सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ए बी का फ्रेंड ए डी, ए बी के साइड का ए डी, ए डी को ए बी के साथ ऊपर लेंगे, आई बात समझ में। और बी सी का फ्रेंड डी सी, तो उसको बी सी के साथ नीचे डी सी को लेंगे, और इसका रीजन वही क्या है, एंगल बायसेक्टर थ्योरम,
समझ में आई बात? बहुत इजी है, मुझे इजी लग रहा है, आपको भी इजी लग रहा है मुझे पता है, बहुत इजी है। एंगल बायसेक्टर से थ्योरम पढ़ा है, आई बात समझ में? एंगल बायसेक्टर क्या किया हमने यहाँ पे, अप्लाई किया। तो फिर अभी वैल्यूज पुट करेंगे, देखो मैं इधर पर कर दूंगी वैल्यूज पुट करने में, आप भी केयरफुली देखो। एक्स अपॉन बी सी का पे है यहाँ पे एक्स प्लस फाइव, वेरी गुड, मैंने ठीक से लिखा। हाँ तो फिर एक्स माइनस टू, ये भी बहुत अच्छे से लिखा। फिर अरे कहाँ गया ये वाला डीसी, कहाँ पे गया डीसी? हाँ एक्स प्लस टू, मुझे लगा वो भी चरम माफ करेगा इसके चंगुल में फंस के। यहाँ पे है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। थोड़ा बड़ा सर है लेकिन बहुत इजी है। x इन ब्रैकेट x प्लस टू, क्या किया इसने, इसको मल्टीप्लाई किया। आई बात समझ में? हाँ बहुत इजी, इसको इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। खाया पिया और बड़ा हो गया। आई बात समझ में? x प्लस फाइव, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x, मतलब उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x मिल गया। तो यहाँ पे भी सेम, x ने इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5, और यहाँ पे माइनस 2, ये माइनस 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5। आई बात समझ में? इजी है ना, किया है हमने 8th स्टैंडर्ड में, किया है ये है ना 8th स्टैंडर्ड में। हाँ तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको ऐसा ही लिखेंगे। फिर इस x ने इनको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x, एक्स स्क्वायर x इंटू 5 5x माइनस 2x, x इंटू 2 दैट इज 2x, इसको क्या मिलेंगे x इंटू 2 दैट, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, सॉरी ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव 10, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा नेगेटिव। यहाँ पे भी सेम, x पॉजिटिव ये 2 नेगेटिव, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा नेगेटिव। बहुत इजी है, आई बात समझ में? तो अभी देयर फॉर ये वाला x और ये वाला x कैंसिल। आप बोलेंगे मैम ये कैसा हो गया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अगर इसको वहां पे लेके गए तो वो नेगेटिव बनेगा और कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिला 2x, समझ में आई बात? 2x यहाँ पे 3x माइनस 10, आई बात समझ में? अभी क्या करेंगे, इस 3x को यहाँ ले आएंगे, आई बात समझ में? तो 2x माइनस 3x इक्वल्स टू नेगेटिव 10। अभी ये 10 को आप माइनस 10 नहीं बोल सकते, ये किस में से माइनस कर रहे हैं हम, माइनस किस में से नहीं कर रहे, हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है रीडिंग ऑफ द नंबर्स, पॉजिटिव 10 नेगेटिव 10, तो यहाँ पे ये है नेगेटिव 10। आई बात समझ में? 2x माइनस 3x यहाँ पे इसको ऐसा पढ़ेंगे और इसको क्या बोलेंगे, माइनस 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक जैसे दोनों नहीं है, मतलब इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सब्ट्रैक्शन होगा 1, लेकिन बिग नंबर का साइन लगेगा दैट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव x आएगा, मतलब 3 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट खाए तो खत्म हो गए, तो बचा 1 चॉकलेट, लेकिन वो 1 चॉकलेट है ना वो 3 का नेगेटिव वाला साइन लेके आएगा, दैट इज 1x, इसको 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, खाली नेगेटिव x लिखो इक्वल्स टू नेगेटिव 10। आई बात समझ में? इसका मतलब यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। बापरे, आई ना बात समझ में? बहुत इजी है, बहुत इजी है, लंबा है थोड़ा सा ऐसा हनुमान जी की टेन की तरफ, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है, हमने तो 8th स्टैंडर्ड में भी ऐसी सम्स की है। आई बात समझ में? बहुत इजी है, बहुत अच्छा समय है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान देके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, कुछ कंफ्यूजन हो तो पता। अभी इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फटाक से तब तक मैं आगे लिखती हूँ क्या है क्या है क्या है, आगे तो बहुत लंबा है। तो क्या करेंगे हम, हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो सम किया है हमने, यहाँ पे एंगल बायसेक्टर थ्योरम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x इंटू x, x स्क्वायर आया, x इंटू 2 2x आया, इक्वल्स टू इस x ने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 2, यहाँ पे लिया इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो x इंटू x, x स्क्वायर आया, x इंटू 5 5x आया, निगेटिव 2 ने अंदर इंटू किया तो एक निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव 2x आया, फिर भी वही यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज निगेटिव, तो
तो फाइंड टू डेट इज 10 ये आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर ये निगेटिव x स्क्वायर यानी एंड ये x स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए कैंसिल होया क्योंकि यहां का पॉजिटिव x वहां जाके नेगेटिव होगा और ये खत्म हो जाएगा। तो यहां पे ही हम कैंसिल करते हैं क्योंकि हम बड़े हो गए, 10वीं में गए, तो इतना करना वाजिब। तो 2x और ये 2x यहां पे रहेगा, 2x यहां पे रहेगा, 5x - 2x दैट इज 3x और ये नेगेटिव 10 जो हम यहां पे -10 लिखे, 3x -10 रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, हमें x वैल्यू फाइंड करने का, तो x x एक साइड को और नंबर एक साइड को यहां पे बटाटे एक साइड को और इस ब्रिंजल को एक साइड को रख दिया, तो बटाटे में से बटाटा कट किया तो हमें ये बटाटा मिला नेगेटिव x एंड दैट इक्वल्स टू नेगेटिव 10। तो हम ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों का नेगेटिव साइन कैंसिल किया तो हमें x इज इक्वल टू 10 यूनिट्स मिल गया। कितनी अच्छी बात है। तो फाइंड करने का था x, तो हमें x इज इक्वल टू 10 यूनिट्स मिला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखो, और आपका कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दो। और आपके कुछ भी प्रॉब्लम, कैसे भी प्रॉब्लम हो मैथ्स के बारे में, आपके भाई बहन है, फ्रेंड्स है, उनको ये वीडियो शेयर्स करो और लाइक करो, आपके प्रॉब्लम भेजो, हम आपके प्रॉब्लम के आंसर देंगे। स्टूडेंट एकेडमी जो है अपना, स्टूडेंट एजुकेशन का सोसाइटी का, वो सब बच्चों को अपने एजुकेशन में हेल्प करने के लिए प्रॉमिस्ड है। देयरफॉर यू कैन कमेंट्स लाइक शेयर। थैंक यू।